भिलाई के महापौर नीरज पाल के निर्देश पर नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवन प्रदान करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पुराने जल स्रोतों को पुनः जीवित करने की शुरुआत जयंती स्टेडियम के पास स्थित कुएं से की गई है। महापौर नीरज पाल एवं अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने इस कुएं का निरीक्षण सन एंड साइल कंपनी के टेक्निकल टीम के साथ किया। महापौर ने इसकी सफाई के निर्देश अधिकारियों को दिए और सफाई कार्य टेक्निकल टीम ने प्रारंभ कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप पुराने जल स्रोतों को संवारने का काम भिलाई निगम ने प्रारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में भिलाई के सबसे पुराने कुएं से इसकी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इसके सौंदर्यकरण की दिशा में भी काम किया जाएगा। पेंटिंग, आकर्षक लाइटिंग और फाउंटेन के कार्य को लेकर प्लानिंग की जा रही है, लेकिन सर्वप्रथम सफाई और जल स्रोतों को संवारने का काम किया जा रहा है, जिससे शुद्ध पानी मिल सके और पुराने जल स्रोतों को नवजीवन मिल सके। आसपास के रहवासियों ने बताया कि यह कुआं लगभग 100 साल से भी अधिक पुराना है। काफी समय से इस कुएं को लोग देखते आ रहे हैं। लगभग 50 फीट गहरे कुएं की सफाई प्रारंभ कर दी गई है। यहां असामाजिक तत्वों के जमावड़े के चलते कुएं में डिस्पोजल बोतल इत्यादि के कचरे से कुआं प्रदूषित हो गया है। इस कुएं का सफाई कार्य क्लिनिक रोबोट के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए, माननीय महापौर जी की मंशा है कि जितने पुराने जल स्रोत हैं उनको कैसे उनको पुनर्जीवन दिया जा सके, संधारण किया जा सके। इसी तारतम्य में जो है आयुक्त महोदय ने शहीद वीर नारायण सिंह नगर का भी निरीक्षण किया था। वहाँ पे जो रहवासी हैं आज भी निस्तारी के रूप में और अन्य दैनिक उपयोग के लिए वहाँ के कुएँ का पानी का उपयोग कर रहे हैं, और वहाँ वाटर जो रिचार्ज है वो बना हुआ है, वाटर लेवल कुओं का बना हुआ है। वहाँ पे आप देखेंगे तो घर घर में मैक्सिमम स्थानों पे घर के अंदर भी कुएं हैं। इन्हीं सभी चीज़ों से जो भीषण गर्मी के दिन में जो प्रेरणा मिलती है कि शुद्ध पेयजल और ठंडा पेयजल जो है वो हमारे ऐसे स्रोतों को भी बनाए रखना आवश्यक है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए जयंती स्टेडियम के पास में एक बहुत पुराना कुआ है, जो रहवासी वो बताते हैं कि 100 साल पुराना यह कुआ है। इस कुएं में असामाजिक तत्व जो है वो डिस्पोजल और कुछ ऐसे बाटल वगैरह सब जो है वहाँ पे फेंक देते थे, और फेंकने के बाद में कुआं की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जहाँ पे उस कुएं का उपयोग नहीं हो रहा था, जब महापौर जी के संज्ञान में बातें आईं, उन्होंने निरीक्षण किया भरी दोपहर में, पर आयुक्त महोदय भी साथ में थे और प्रशासनिक अधिकारी थे। तो वहाँ पे जब निरीक्षण किए तो जो टेक्निकल टीम थी इसको लेकर के उन्होंने भी मुआयना किया। उनके पास में जो क्लिनिकल रिपोर्ट होता है उसके माध्यम से इसकी सफाई जो है होगी, और यह एक अच्छी प्राकृतिक पद्धति जैसे है जिसको जिसके माध्यम से किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं होता है। उसको पुनः पीने योग्य बनाने के लिए ठंडा पेयजल मिले और शुद्ध पानी मिले, इसके लिए जो है वहाँ पे फाउंटेन भी लगाया जाएगा जो ऑक्सीजन देते रहेगा। यदि उसका पानी का उपयोग नहीं होता है तो फाउंटेन के माध्यम से ऑक्सीजन होकर पुनः वह कुएं में चले जाएगा, और लाइटिंग होगी, डेकोरेशन होगा, इस पर प्लानिंग की जा रही है। तो माननीय महापौर जी के निर्देश पर जो है पुराने जो ऐसे जल स्रोत हैं जो हमको जिनको बना के रखना चाहिए, उन जल स्रोतों पर ध्यान दिया जा रहा है और उनको पुनर्जीवन देने के लिए प्रयास किया जा रहा है, जिसकी प्राथमिकता के तहत में शुरुआत जो है वो जयंती स्टेडियम के कुएं से की जा रही है। कुआं वाटर रिचार्ज का एक बेहतर माध्यम है। गर्मी के दिनों में जहां यह शुद्ध और ठंडा पानी उपलब्ध कराता है, वहीं आसपास के जल स्रोतों को वाटर रिचार्ज करने का काम भी करता है। आज ऐसे ही जल स्रोतों को बनाए रखने की आवश्यकता को देखते हुए कुआं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए महापौर के निर्देश पर निगम ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।